नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बेतिया में हादसे की शिकार होने से बची डीएमयू ट्रेन। पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने मांगी रिपोर्ट। गंगा, गंडक, सोन और कर्मनाशा नदी का लेवल पहुंचा खतरे के पार। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने मांगी रिपोर्ट। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव की घोषणा 15 अगस्त के बाद किसी भी वक्त हो सकती है। इसको लेकर एक तरफ चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस मुख्यालय भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है। इस बाबत मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के SSP और SP से सुरक्षा बलों की रिपोर्ट मांगी गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिलों में पुलिस फोर्स की आवश्यकता के मुताबिक वहां उनकी तैनाती की जाएगी, जिसकी डिटेल रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी। बताते चले कि राज्य के संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों में ज्यादा पुलिस बल तैनात किए जाएंगे, साथ ही क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को थाने में नियमित हाजिरी लगाने का आदेश भी दिया गया है। सूबे में तिलकुट, केसरिया, पेड़ा, अनरसा और लाई को GI टैग में शामिल करने की उठी मांग। बिहार के कई स्थानों में तैयार होने वाले व्यंजन इतने फेमस हो गए हैं कि वे उस जगह की पहचान बन गए हैं। ऐसे में गया के भी खास व्यंजनों को GI टैग देने की मांग उठ रही है। इस संबंध में बीते दिन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार राज्य मिष्ठान भोजन विक्रेता संघ की तरफ से एक चिट्ठी सौंपी गई है, जिसमें तिलकुट, केसरिया, पेड़ा, अनरसा और लाई को GI टैग में शामिल करने की मांग की गई है। संघ के अध्यक्ष का कहना है कि सिलाव के खाजा को क्षेत्रीय मिठाई से ऊपर का दर्जा मिल चुका है, उसी तरह गया का तिलकुट, केसरिया, पेड़ा, अनरसा और लाई भी फेमस क्षेत्रीय मिठाइयां हैं। इन मिठाइयों को भी देश भर के लोग पसंद करते हैं। ऐसे में GI टैग मिलने के बाद इनके बिजनेस से जुड़े लोगों को साल भर रोजगार मिल सकता है। गंगा, गंडक, सोन और कर्मनाशा नदी का लेवल पहुंचा खतरे के पार। सूबे बिहार में कई जिलों में हुई बारिश ने बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। नदियों में पानी का लेवल खतरे के निशान के पार जा रहा है। बारिश की वजह से गंगा, सोन, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, कर्मनाशा समेत पहाड़ी नदियां उफान मार रही है। बीते दिन रविवार को पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, फतुहा और हथीदह में गंगा नदी के जल का स्तर खतरे के निशान से पार बह रहा था, तो वहीं बक्सर में गंगा और कर्मनाशा दोनों ही नदियों का पानी सड़कों पर चढ़ गया था। वहीं खगड़िया में भी गंगा और बूढ़ी गंडक नदियां उफान पर है। बीते दिन चंपारण में गंडक बराज से करीब 98,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ग्राउंड वाटर लेवल को बेहतर बनाने के लिए बनेगी पॉलिसी। बिहार में जल्द ही भूमिगत जल स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल को लेकर पॉलिसी बनेगी। इस पॉलिसी को केंद्र सरकार और NGT की गाइडलाइंस के अनुसार बनाया जाएगा, जिसके तहत ग्राउंड वाटर लेवल को बरकरार रखकर उसको बढ़ाने के उपायों पर काम किया जाएगा। इसके लिए तैयारी हो रही है, जिसे इस साल लागू किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक कई जिलों में पानी की कमी के संकेत मिले थे, जिसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राउंड वाटर पॉलिसी बनाया था, जिसे अब बिहार समेत अन्य राज्यों में लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके हो जाने के बाद RO व अन्य वाटर प्लांट लगाने के लिए NOC और लाइसेंस लेना जरूरी हो जाएगा। अवैध बालू खनन को लेकर सोनघाट पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव। बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर लगातार पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। इस कड़ी में बीते दिन पुलिस ने एक बार फिर सोन नदी के बिंदगावा घाट पर देर शाम छापेमारी की, जिस दौरान नाव से बालू का खनन करने वाले 5 नाव समेत 1.5 दर्जन मजदूरों को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान पुलिस ने बगैर बालू लदी नाव को भी क्षतिग्रस्त करके डुबो दिया, जिसे दियारे के लोग गुस्सा होकर पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर बरसाने लगे। इस दौरान पथराव में एक सैप जवान और एक महिला जवान चोटिल हो गए। हालांकि इस दौरान बड़ी संख्या में अवैध बालू से लदे नाव को देखकर पुलिस भी हैरान रह गए थे। बिहार में स्कूल खुलने के बाद भी नहीं पहुंच रहे बच्चे। सूबे बिहार में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है, बावजूद इसके विद्यार्थी स्कूलों में नहीं पहुंच रहे हैं। 4 महीने के बाद +2 स्कूल को खोलने के 3 सप्ताह बीत चुके हैं, मगर फिर भी 10-15% ही बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक भी नियमित तौर पर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने औचक निगरानी करनी शुरू कर दी है, साथ ही अब प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों की अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने को लेकर काम कर रही है। इसके लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी मास्टरों और शिक्षकों के उत्साह वर्धन की योजना बनाई है। इसकी जिम्मेदारी सभी जिलों के DEO को सौंपी गई है। अभियान के तहत 11 से 18 अगस्त तक मंथन किया जाएगा। गया जिले में गंगा का पवित्र जल देख लोगों में छाई खुशी। बिहार के गया जिले में जल्द ही गंगा नदी का पानी पहुंचेगा। यह काम गंगा उद्वाह योजना के तहत किया जा रहा है, जिसके तहत बेगूसराय मराची से गया अबकिला तक गंगा का पानी पाइप के जरिए लाने की योजना पर काम चल रहा है।
इस कड़ी में बीते दिन पाइप में पानी के फ्लो की प्रेशर टेस्टिंग का काम चलने के दौरान मोहड़ा प्रखंड के इलाकों में जगह जगह पाइप से ऊंची ऊंची पानी की फुहारें निकलने लगी, जिसे देखकर ग्रामीण खुश हो रहे हैं। इस योजना का काम जून 2022 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद घर घर तक पाइप के जरिए शुद्ध करके गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा। बिहार पृथ्वी दिवस पर मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। सूबे में आज बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजकीय अतिथिशाला में वन एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पौधारोपण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान सीएम ने जल जीवन हरियाली का जिक्र करते हुए कहा कि अभियान में अब तक 22 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। साल 2021 में हरियाली मिशन के तहत 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं इस मौके पर सीएम ने राज्य के लोगों से भी पौधा लगाने की अपील की है। बेतिया में हादसे के शिकार होने से बची डीएमयू ट्रेन। बेतिया जिले में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। यह मामला कुमारबाग स्टेशन के पास का है, जहां डीएमयू ट्रेन नंबर 05210 नरकटियागंज से रक्सौल जा रही थी। इस दौरान कुमारबाग स्टेशन से आगे बढ़ते ही ट्रेन का एक डब्बा पटरी से उतर गया, जिसके बाद फौरन ट्रेन को रोक दिया गया और लोग ट्रेन के बाहर निकल गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। इस मामले में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने की कई विभागों से संबंधित मामलों की सुनवाई। आज सोमवार की सुबह 11 बजे से नियमित साप्ताहिक तौर पर आयोजित जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने फिर से हाजिरी लगाई, जहां सैकड़ों की संख्या में फरियादी अपनी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। आज की जनता दरबार में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतें सुनी गई। इस दौरान एक युवती द्वारा वेतन भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई। युवती का कहना था कि उसकी टीम में 10 लड़कियां मिलकर दहेज प्रथा और बाल विवाह पर काम किया था, लेकिन अब तक उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया गया है। इस बारे में शिकायत करने पर गाली सुनने मिलती है और कहा गया कि भुगतान कर दिया गया है। पटना में तेज प्रताप वाली होर्डिंग को हटाकर तेजस्वी यादव की लगाई गई बड़ी तस्वीर। राष्ट्रीय जनता दल में पोस्टर विवाद चल रहा है, जिसके बाद आज तेजस्वी यादव की एक बड़ी सी होर्डिंग पटना के वीर चंद्र पटेल पथ में लगाई गई। दरअसल रविवार को राजद के कार्यालय में छात्र राजद की बैठक होने वाली थी, जिसके लिए छात्र राजद अध्यक्ष ने एक बैनर लगवाया था, जिसमें लालू राबड़ी और तेज प्रताप यादव नजर आ रहे थे, मगर तेजस्वी यादव नदारद थे, जिस कारण इसे सोशल मीडिया पर वर्चस्व की लड़ाई से जोड़ा जाने लगा था। इस विवाद के बाद कुछ लोगों ने छात्र राजद अध्यक्ष आकाश यादव की तस्वीर पर काली पोत दिया था, जिसके बाद आज उस बैनर की जगह नया बैनर लगाया गया है। हालांकि उस बैनर में सिर्फ लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो के दोनों बेटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई होने के अफवाह उड़ रहे हैं। सीरियल में सज्जन सिंह के नाम से मशहूर अभिनेता अनुपम श्याम का हुआ निधन। फिल्मों और टीवी सीरियल्स के जाने माने अभिनेता अनुपम श्याम का आज निधन हो गया। उन्हें गुर्दे में इन्फेक्शन था, जिसके बाद वे 4 दिन से गुरुगांव के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से आज सुबह अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बताते चले कि अनुपम श्याम फेमस सीरियल प्रतिज्ञा में सज्जन सिंह के किरदार करके काफी मशहूर हुए थे। उन्होंने अपने 3 दशक के लंबे करियर में सत्या, दिल से, लगान, बैंडिट क्वीन जैसे फेमस फिल्मों में भी अभिनय किया था। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस। दुनिया भर में आज का दिन यानी कि 9 अगस्त स्वदेशी यानी कि किसी देश के मूल निवासी या आदिवासी आबादी को समर्पित है। इस साल भी आज के दिन विश्व स्वदेशी दिवस मनाया जा रहा है, जिसका थीम किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान है। आज भी मूल निवासी और जनजातीय लोगों तक कई मूलभूत सुविधा नहीं पहुंच सकी है और न ही उन्हें समाज में बराबरी का हिस्सा दिया गया है। ऐसे में उनको समाज की मूलभूत धारा से जोड़कर उन्हें उनका हक दिलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। भारत में लगभग 645 प्रमुख और विशिष्ट जनजातियां हैं, जिसमें से अपने राज्य बिहार में जनजातीय जनसंख्या 0.99%। टेस्ट ड्रॉ होने पर भी टीम इंडिया को मिले 4 अंक। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच का मुकाबला ड्रॉ हो गया। इस मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा था और जीतने की पूरी संभावना थी, लेकिन मैच के 5वें दिन एक भी गेंद का खेल नहीं हो पाने की वजह से अंपायर ने मैच को ड्रॉ कर दिया। हालांकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का यह पहला मैच था, जिसमें अब आईसीसी ने अंक प्रणाली में थोड़ा बदलाव किया है। इस कारण मैच ड्रॉ होने के बाद भी टीम इंडिया को 4 अंक मिले हैं। बताते चले कि आईसीसी के नए नियम के मुताबिक टेस्ट मैच जीतने पर 12 अंक, ड्रॉ होने पर 4 अंक और टाई रहने पर 6 अंक मिलते हैं। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके क्षेत्र की फेमस क्षेत्रीय मिठाई का नाम क्या है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।